हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं अपना डेटा हैंडलिंग, उसे ही आगे कंटिन्यू कराऊंगी। तो हमने लास्ट क्लास में 4.2 के क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो इनकी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ, चलो शुरू करते हैं। कह रहे फाइंड करना है इन तीनों पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 ए पार्ट। मतलब ये क्वेश्चन इससे रिलेट है, मतलब ये फिगर अब इसमें यूज होगी। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो ये पॉइंटर है ये वाला, ये डी पे स्टॉप होए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला सिखाया था ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम सिखाया था, उसे यूज करेंगे आज हम। देखो, सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ एक बार लिख दिया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब अपना ए पार्ट देखो, तो जो पॉइंटर है डी एक ही बार लिखा है और टोटल आउटकम है कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी है, स्टॉपिंग ऑन डी। इवेंट में हमेशा यही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि डी एक ही बार है और टोटल आउटकम कितने हैं, 5 है। क्लियर। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड आप सबको पता है, जिसमें रेड और ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एस आने की। तो उसमें टोटल 52 कार्ड्स में से सिर्फ 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो एस के होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एस की निकालनी है। तो टोटल 4 कार्ड होते हैं एस के और टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। इनको कट कर दिया तो 1/13 मेरा आंसर, लोएस्ट फॉर्म में निकालना है, ठीक है। सी पार्ट अगर हम यहाँ देखें, कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल, एक फिगर दे रखी है, रेड एप्पल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कितने रेड एप्पल है, 1, 2, 3, 4 ही रेड एप्पल है ना। और टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, गेटिंग अ रेड एप्पल। तो टोटल 4 एप्पल है तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गया, टोटल आउटकम कितने हैं, 7, तो 7 हो गया। ये एक टेबल में नहीं आते, इनको छोड़ दो, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहे हैं, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप। आपने 10 नंबर्स लिखे हैं अलग अलग स्लिप पे, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, एक स्लिप पे एक ही नंबर लिखा है। कैप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, एक बॉक्स के अंदर डाल दिए वो 10 स्लिप और अच्छे से मिला दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स, अब बॉक्स में से एक स्लिप निकाली आपने विदाउट लुकिंग इन टू इट, लेकिन उसमें देखा नहीं है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर 6, तो बताओ क्या चांसेस 6 आएगा। 6 स्लिप पे लिखा कितनी बार है, एक स्लिप पे एक ही नंबर लिखा गया, रिपीट कोई हुआ नहीं, तो 6 स्लिप पे एक ही बार लिखा गया होगा एक ही स्लिप पे, है ना। फॉर्मूला लिख लेना आप यहाँ पर, पहले हर क्वेश्चन में लिखना, ठीक है। यहाँ पर है गेटिंग अ नंबर 6, तो एक ही बार लिखा गया 6, फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। टोटल कितनी स्लिप है, 10, तो नीचे 10 आ गया, यही आपका आंसर। अगले में कह रहे हैं गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 6 से कम है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 ही नंबर तो ऐसे हैं। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो 5 ही ऐसे नंबर हैं और टोटल है 10 नंबर्स, क्योंकि 10 ही स्लिप है। अब इसे कट कर दो, 1/2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो कितने नंबर हैं 6 से ज़्यादा हैं, 7, 8, 9, 10, टोटल 4 हैं, 4 और नीचे आ जाएगा 10, कट कर दो, 2/5 आंसर।
ठीक है, एक लास्ट रह गया है गेटिंग अ वन डिजिट नंबर। तो कितने वन डिजिट नंबर है? सारे ही वन डिजिट नंबर है, सिर्फ 10 को छोड़ के, क्योंकि 10 टू डिजिट नंबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे गेटिंग अ वन डिजिट नंबर। तो टोटल 9 फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम है 10। तो ये आपका आंसर क्लियर हुआ। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4। आज दो ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये दोनों करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। इन दोनों क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।